स्पीड वर्सेस गाजी का गेम, ताकत वर्सेस टेक्निक में कौन होगा आगे? फरहान और इमरान होंगे, सामने होंगे डेरी और गोल्डी। नहीं भाई, नहीं भाई, हमारे बहुत मेहनत करके आए भाई। भाई देखो, जो भी जीते अपने भाई लोग जीते हैं, कुल मिला के अपनी टीम है, दोनों पहुंची है, सभी अपनी टीम है, मगर नहीं भाई हल्का रखे Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. फाइनल का टॉस होने जा रहा है, आइए देखते हैं। आदिल भाई हमारे टॉस उछाल लें। टेल बोला है, हेड आया है, यानी जीती है गाजी। हाँ, गाजी जीती है। चलिए देखते हैं कौन सी साइड लेते हैं। चलिए दोस्तों फाइनल देखते हैं। पहला पेच ये हो रहा है, ऊपर से पेच लेने आए गोल्डी और नीचे से है फरहान स्पीड से। फाइनल मैच पहला पेच, बहुत अच्छा दिन होता है। शामिल मुकाबले का पहला पेच स्पीड ग्राइड किया गया है। बहुत अच्छा पहला पेच, बहुत ही शानदार टेक्निकल पेच काटा है, फंसा के आखिरी में ऊंचे मुड्ढे पे झटक लिया, उनका झोल काटा है। दोस्तों आपको छत वाले अभी रीसेंट वीडियोस में भी मैंने बताया, जब पेच फंसा हो और सामने वाले का मुड्ढा हल्का लगे, ये देखिए लादा, ठीक है, नीचे वाली पतंग ऊपर से है गोल्डी की, नीचे से फरहान भाई की। अब देखिए उनका मुड्ढा जैसे ही हल्का था, गोल्डी भाई ने क्या किया, ये थपका ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी पतंग में बिल्कुल भी हवा नहीं थी और थपक लिया। ध्यान रहे, सामने वाले की पतंग में हवा कम, पतंग भारी नहीं होनी चाहिए, डोर टाइट नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये पेच काट सकते हैं। अगर सामने वाले की पतंग अच्छी खासी में हवा लग रही है तब आपने थपका, तो आप कट जाएंगे, रगड़ जाएंगे खुद ही। रीड हॉल अधिकाई टूर्नामेंट का आयोजन गोलागंज स्थित क्रिश्चियन कॉलेज के परिसर रीड हॉल में किया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट कराया गया। आज फाइनल मैच चल रहा है। दोस्तों कई सारे प्लेयर ऐसा कहते हैं कि मैं वीडियो में शूट हुआ था लेकिन आया नहीं। ध्यान करिएगा कि आप गुटखा खा रहे थे। जितने भी गुटखा खाने वाले लोग हैं मसाला, अगर वो वीडियो में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बदनामी होती है लखनऊ की, इसलिए मैं वो वीडियो ही हटा देता हूं, तो आइंदा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा ये पेज देखते हैं फाइनल का। पहला पेज गोल्डी भाई ने काटा, बहुत ही यूनिक पेज काटा है, फरहान भाई को हमारे, दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी।
इस बार आए हैं यंग प्लेयर इमरान नीचे की तरफ से, और उनके सामने रहेंगे डेरी। चलिए देखते हैं इस पेच में क्या होता है। नीचे वाली पतंग देखिए आपके लेफ्ट साइड, पेस सही हो गए हैं। फाइनल ये मैच चल रहा है रीड हॉल काइट टूर्नामेंट अद्धी का। हल्के हाथों से दोनों पतंग को चला रहे, हल्के हल्के करीब करते हुए डेरी भाई। हाँ आगे चलिए, ये डेरी भाई ले जाके रखते हुए पतंग को चला रहे हैं, पतंग को चला के उठाते हुए झोल से काटना चाह रहे थे डेरी भाई, थपकते हुए उठा रहे थे कि झोल से अगर कट जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। दूसरा पेज चलता हुआ, दोनों ही तेज खींचते हैं, बहुत तेज खींचते हैं डेरी भाई हमारे, इमरान भी उतना ही तेज खींचते हैं यंग प्लेयर, लेकिन शानदार। चलिए गद्दा दिखाते हुए करीब किया और करीब किया और कि उन्होंने पट मारा, इन्होंने पूरा गद्दा चलाया, पूरी जान लगानी होगी, वो कटे डेरी भाई, और इमरान ने शानदार ये पेच काटा है और पतंग भी उठा ली है। स्कोर हो गया 1-1 की बराबरी, फाइनल का ये मैच चलता हुआ। अब ऊपर का पेज लेने जा रहे हैं फरहान भाई हमारे, और नीचे का पेज लेने जा रहे हैं गोल्डी। ये स्टार है, इसका नाम मुन्ना है, ये सुपर स्टार है लखनऊ का। मुन्ना आके कॉल मुन्ना। चलिए दोस्तों, पेज कैंसिल है तो वो पेज तो दिखा नहीं पाऊंगा, एक बार पेज कैंसिल हो चुका है, मेरे ख्याल से दो बार हो चुका है, तो इस बार अगर कैंसिल हुआ तो 6 पेज का जो टोटल गेम है वो 5 पेज का हो जाएगा। एक एक पेज लड़ चुके हैं, पेज सही है। राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से इमरान नीचे से गोल्डी पतंग को ऊंचा किए हुए हैं पूरा। अब ये करीब किया नीचे, सीधा गद्दा उतारते हुए बाहर का गद्दा दिखा रहे हैं, वो पट कर रहे हैं, रोका इमरान ने, अंदर की तरफ अब लेके आ रहे हैं, और चलिए गद्दा दिखा रहे हैं, उन्होंने और खाली किराया है गोल्डी ने, अब ऊंचा किया, अब ऊंचा कर रहे हैं, जब ऊंचा करते हैं तो अंदर की तरफ आते हैं, अंदर मतलब अपोनेंट की तरफ लेके जाना, ऊंचा करते चले जा रहे हैं। चलिए इमरान पतंग और अंदर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा पेच काटा है इमरान ने, बढ़िया थपक दिया बाहर का, और लगन टॉप पेच काट दिया भाई, शानदार पेच काटते हुए इमरान देखिए पीछे खड़े हैं पिंक कैप में। दोस्तों इस पेज को ध्यान से समझेंगे, बार बार ऊंचा मुड्डा दे रहे थे ताकि इमरान जो कि राइट साइड पे हैं ऊपर से ये बाहर का निकलता गद्दा मारे या सीधा खड़ा नीचे गद्दा मार दे, जिससे ये देखिए थपकी उपकी दे रहे गोल्डी। जैसे इन्होंने ऊंचा किया इमरान ने तेज खींच के दिखाया था, लेकिन यहाँ पे थपक लिया, बस यहीं जीत हो गई। जितना दिमाग काम करेगा उतना ही आप टूर्नामेंट जीतते चले जाएंगे। बढ़िया पेच काटा एकदम सोच और समझदारी से ये इमरान ने, ये जानते थे कि पूरा गद्दा नहीं मारना है गोल्डी, इसीलिए इतना ऊंचा ऊंचा दे रहे हैं पतंग को, बढ़िया थपका है। आइए दोस्तों, तो चौथा पेच अब देखते हैं हम लोग, ये फाइनल का बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल ये चलता हुआ। चलिए नीचे से लेना है गोल्डी पेच, और ऊपर से इमरान है, इमरान और गोल्डी के बीच में इससे पहले हुए पेच में बहुत ही अच्छा थपकते हुए बाहर कर लिया था पतंग को इमरान ने, अच्छा पेच काटा था गोल्डी को। चलिए गोल्डी भाई की पतंग देखिए, आपको लेफ्ट साइड नीचे से दिखेगी, ऊपर वाली पतंग देखिए स्क्रीन पे, ये है इमरान की, ऊंचा ऊंचा करे हुए हैं, ये देखिए फिर से एक बार ऊंचा मुड्ढा करके दिया गोल्डी ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए गोल्डी भाई की, और राइट साइड ऊपर पतंग इमरान की। चौथा पेज चल रहा है, इस समय 2-1 से आगे है स्पीड,
चलिए, काफ़ी ज़्यादा मुड्ढा नीचे किया, अब लेके आ रहे हैं इमरान, थोड़ा और अंदर लेके जा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये है गोल्डी की लेफ्ट साइड वाली पतंग, सफ़ेद बादलों के पास बाहर की तरफ दिखा रहे हैं इमरान। ये पट मारा तेज, वो कटे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये पेच काट दिया है गोल्डी ने। उनको ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि ऐसा भी कर सकते हैं, तुरंत ही पट मार दिया। उनका झोल ऐसा एंगल पे था कि बिल्कुल झोल वहीं पे था, और ये देखिए तुरंत इसने पतंग को लिपटा भी लिया, चिमटाया नहीं, लिपटाया, बढ़िया। ये गलत है, वाली क्यों बताई, वाली क्यों बताई, ये कहा भाई आप ये बताते हैं, आप लड़ाएंगे तो हम नहीं। नहीं। इनके मतलब की पतंग मतलब दिखाइए, कोई भी लड़वा सकता है, हमारे यहाँ का पेच हम किसी को भी लड़वा सकते हैं। दोस्तों, गाजी के कप्तान या कह लीजिए कोच एक एक चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं हमारे अबू भाई से, एक एक पेच कैसे लड़ना है, कौन जाएगा, सारी बारीक चीज़ों पे कमांड रखते हुए दोनों को पेच लड़वा रहे हैं, और दोनों ही भयानक खिलाड़ी गोल्डी और टेरी। चलिए अगले पेच की तरफ, बने रहें, जुड़े रहें गाइड कल्चर से। दो और दो की स्कोर की बराबरी है, गोल्डी ऊपर से आए हैं, राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, और नीचे से एक बार फिर फरहान, चलिए पेस सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पेच की दूरी 250 मीटर से भी कम, जब गोल्डी काटते हैं तो पतंग को कम करा लेते हैं और फिर लड़ाते हैं भारी का खेल, जो कि बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ आप आ रहे हैं, इमरान पतंग अंदर लेके आ रहे हैं, जैसे ही वो रखते हैं वैसे ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जगह दिया है, अंदर चल रहे हैं, चेहरे की तरफ जाते हुए गोल्डी पतंग को चक्कर दिया, अंदर की तरफ आ रहे हैं, चेहरे की तरफ ले रहे हैं, क्या पतंग को चला रहे भाई गोल्डी, देखिए भारी पतंग को कैसे चलाना है समझ लीजिए। चलिए, जगह दिया है ने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उतरे नहीं है गोल्डी, चेहरा लेते चले जा रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं इमरान, तो अंदर लेके जा रहे हैं गोल्डी, बढ़िया पेच काटा है झोल पे उतर के, शानदार ये पेच काट दिया, बढ़िया झोल पे उतरे और चक्करों पे रख लिया, अगर थोड़ी समझ होती तो पट पे झटक देते, लेकिन यही बात है कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा पेच काटते हुए गाजी को आगे करते हुए 3-2 से। दोस्तों, ये जो समझदारी है पतंग को इधर उधर करते रहना, सामने वालों को कन्फ्यूज़ करना और आखिरी में झोल पे उतार लेना, ये सिर्फ गोल्डी में है या फिर हमारे उस्ताद आगा भैयू जी में है। ये देखिए, जैसे उन्होंने ऊँचा किया तुरंत झोल पे ले जाके लादा, और बस फिर क्या काम ख़त्म कर दिया, सामने वाले की पतंग हल्की थी और बड़े ही आसानी से कट गए, पट पे थपक सकते थे लेकिन झोल के ऊपर ही रखा था, जगह थी नहीं, कटना ही कटना था इसमें। बढ़िया पेच काटते हुए गोल्डी और गाजी को आगे करते हुए लगातार स्कोर 3-2 से गाजी आगे, 3-2 का स्कोर है। डेरी अब नीचे से आए हैं चांस लेने, इससे पहला पेच बहुत ही अच्छा काटा था गोल्डी ने, अब अंदर को जगह लेके आएंगे इमरान, ऊपर से रेंज में करवा लिया डेरी भाई ने, डेरी भाई को रेंज बहुत पसंद है, 350 मीटर की रेंज करीबन, पेस सही हो गया है, राइट साइड वाली ऊपर से है, स्पीड की पतंग है, जो राइट साइड ऊपर दिख रही है स्पीड की पतंग है, 3-2 का है गाजी आगे, चलिए ऊंचा करते हुए डेरी भाई, पूरा खींच ले गए हैं डेरी भाई, और उनका गद्दा ये देखिए ढेर हो गया है, 4-2 हो गया है, 4-2 हो गया है, और यहाँ पे जो है, हाँ नहीं भाई क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और क्या हो रहा, क्या कह रहे हैं भाई, अगर ऐसे लड़ रहा है तो अच्छा लड़ रहा है। 4-2 का स्कोर है, लेकिन खुशी जो है दोनों में होनी चाहिए, रहनी चाहिए।
उनको भी घूमने का ऑफर दिया गया है। चार दो के स्कोर से गाजी आगे, चार दो के स्कोर से नीचे से फरहान आए, ऊपर से हैं हमारे गोल्डी। दो पेज बचे हैं फरहान के। बहुत ही अच्छा पेज काट दिया, बाहर खींचने की पता नहीं क्यों गलती किया रहा फरहान ने, जगह थी नहीं, और अंदर ही उतार के जो नॉर्मल पेज लड़ाया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल पेज था ये, और फाइनल में ऐसा पेज लड़ा दिया फरहान भाई ने। कुछ सोच समझ रहे होंगे ज़रूर, और बढ़िया पेज काटा है गोल्डी ने, स्कोर कर दिया 5-2 का, एक पेज दूर है फाइनल उठाने से गाजी का। स्पीड के पास एक पेज बचा है, अगर वो कट जाएंगे तो जीत जाएगी गाजी। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और आप लोगों को भी अच्छे पेज देखने को मिल रहे हैं। टेंशन का माहौल दोनों ही खेमे में, चाहे वो गाजी हो चाहे ये देखिए स्पीड हो, हमारे नईम भाई हैं। फ़िलहाल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें धन्यवाद देना है गाजी की तरफ से हमारे रफ्तार भाई को, जिन्होंने एंड मौके पे, हम लोग हर जगह देखे नहीं मिला, रफ्तार भाई ने अपनी ही चरखी दे दी ड्रैगन की। जी बिल्कुल, टूर्नामेंट का स्पेशलिस्ट मांझा है ये, और लगातार शुरू से लेकर अंत तक इस मांझे का प्रयोग किया गया और बहुत ही तगड़ा लड़ा। आपने लगातार आप मैच देख ही रहते, पूरा का पूरा मांझा यही यूज़ हुआ है। तो एक बार फिर से रफ्तार भाई को गाजी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। चलिए आखिरी पेज की तरफ। दोस्तों ये जो सामने स्क्रीन पे नंबर, इसे रट लीजिए, कभी भी कहीं से मटेरियल लेना हो, आप अजनबी हैं, आपको नहीं पता, स्ट्रेंजर हैं, तो एक बार इस पे कॉल करके उस शहर के शॉप्स के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लखनऊ से भी कहीं लेना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, यानी मैं कह दूंगा तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, एक तो इतनी सारी शॉप्स खुल रही हैं, इतने ज़्यादा ऑनलाइन लोग आ गए हैं कि फ्रॉड बहुत ही ईजिली हो जा रहा है। आपसे पहले पैसा मंगवा लेते हैं और आप तक मटेरियल नहीं पहुँचता। कोई वो फर्जी, एक कोई है वो पुराने मांझे को लेके बेच रहा है, आप, मैं तो कई सालों से बता रहा हूँ, सतर्क भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हुए भी। और कोई एक नोएडा का लड़का है, वो फेसबुक पे पतंग डालता है, लोग उसको पेमेंट कर देते हैं, पैसा फंस जाता है। अभी कई सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरा यहाँ पैसा फंस गया। तो इन सब चीज़ों के लिए ये नंबर है, प्लीज़ बी अवेयर। आप पैसा भेजने से पहले इस नंबर पर ज़रूर कॉल कर लें, कहीं से भी आपको लेना है मटेरियल, उस शहर के बारे में मुझसे पूछ लें कि उस शहर में कौन सबसे अच्छा भरोसेमंद इंसान है। तो इसलिए ये नंबर ज़रूर ले लें, अगर आपको मटेरियल यहाँ लखनऊ से भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। आइए दोस्तों फाइनल का ये पेज देख रहे हैं, ऊपर का पेज लेने आए हमारे गोल्डी, नीचे से हैं हमारे इमरान यंग खिलाड़ी। ज़बरदस्त इनकी भी परफॉर्मेंस रही है, फाइनल तक आए हैं, जीते आ रहे अलग बात है, लेकिन फाइनल तक आए हैं, फ़ाइनल लड़ा रहे, ये बड़ी बात है। इसमें एक गलती ये हो गई फरहान भाई से कि उनका एक भी पेज प्लस में नहीं रहा, यानी कि सारे पेज वो कट गए हैं, दो पेज काटे हैं इमरान ने ही। चलिए ऊंचा करके दे रहे हैं इमरान, ताकि वो नीचे लेके और बाहर खींच दे इमरान, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बार बार इधर उधर करते रहते परेशान गोल्डी। चलिए अभी इससे पहले मैंने एक जानकारी दी है, उस नंबर को ज़रूर याद कर लीजिए, तो फ्रॉड होने से आप बच जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं बहुत टाइम से ये बोलता चला आ रहा हूँ कि कभी भी जानकारी से ही आप मटेरियल लीजिए। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से इमरान की, राइट साइड ऊपर से हैं गोल्डी। लगातार पतंग देखिए कैसे चक्कर खा रही है, इतनी भारी पतंग को चलाना भी एक कला है। चलिए अगर ये पेच इमरान काट देंगे तो टूर्नामेंट में बने रहेंगे, वरना गाजी फाइनल जीत जाएगी। चलिए बढ़िया जगह, लेकिन जल्दी से पट किया उन्होंने, लेफ्ट साइड नीचे से इमरान करीब करा रहे हैं गोल्डी, पतंग को करीब करा रहे, चक्कर दे रहे, उन्होंने ऊंचा किया, अरे बहुत सही जगह मिली थी उतारने के लिए, लेकिन गोल्डी ने नहीं उतारा। चलिए देखते हैं, करीब कराया इमरान, थोड़ा पट करके अंदर की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन की तरफ जा रहे हैं, गोल्डी को जगह दे रहे हैं, लेकिन गोल्डी ने पतंग को ऊंचा कर लिया। फाइनल मैच में बहुत ही अच्छे पेच काटे हैं फरहान भाई को, तो तीनों पेच काट दिए गोल्डी ने,
चलिए ठीक है, ऊंचा किया, ये देखिए फिर से उतारा है, अब देखना है वो बाहर की तरफ थपक के कट गए हैं और ये फाइनल जीत लिया है गोल्डी ने, ये पेच काट कर फाइनल जिता दिया है गाजी काइट क्लब को। तो टीम गाजी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अब लोग इन्हें अपने पलकों पे बिठा लेंगे। डेरी और गोल्डी ने कमाल कर दिया है, 32 टीमों के इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त टीमें थी लड़ी, और ये देखिए ये पब्लिक का हुजूम। डेरी भाई ने क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल एक तरफा जिता दिया था और फाइनल में ज़बरदस्त पेच लड़ाए हैं गोल्डी ने, सभी को बधाई। और जिसने भी टीम मैच ये करवाया है उन ऑर्गेनाइजर्स को बधाई। और ये आखिरी पेज जानते हो उस्ताद से कैसा लड़ा आखिरी पेज? बहुत शानदार लड़ा दिया। हाँ, बहुत अच्छा लड़ा दिया, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी भीड़ है, कुछ भी किया। आतिशबाजी को तैयार है हमारे अबू भाई, पूरी तैयारी से आए, इनको पता था कि इनकी टीम ही जीतेगी। और 60 साउंड लेके आए हैं ये, और इन क्या देख रहे हो, क्या क्या समझ में आ रहा, क्या इधर हो तुम, क्या देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ ये इसके सवाल ही अलग होते हैं। मैं हटो, हवा तो आने दो मेरे भाई, पंखा क्या होंगे, पंखा दे दो भैया भाई को, हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, हटो कुछ नहीं। अबू भाई की तरफ से 11,000 रुपए दोनों ही खिलाड़ियों को दिया जाता है, गाजी काइट क्लब को दिया जाता है। और बहुत बहुत बधाई गाजी काइट क्लब को जीतने पे, आतिशबाजी हो रही है। और ये दे रहे हमारे हलीम भाई, आतिशबाजी लगातार होती हुई, एक और अवार्ड मिलता हुआ। लगातार उबैद भाई की तरफ से, कमेटी के उबैद भाई हमारे, देखिए उबैद भाई 1,000 रुपए का इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है विजेता गोल्डी और डेरी, हमारे विजेता है गाजी काई क्लब से, बहुत ही अच्छे पेज लड़ाए हैं, बिल्कुल अल्टीमेट सीखने वाले पेज लड़ा दिए आज। आरिफ भाई जा रहे हैं, दूसरी टीम बनी हुई है इस टूर्नामेंट की, कमेटी की तरफ से 2100 रुपए का इनाम, और ये दिया जा रहा है। अच्छा चलिए, अबू भाई की तरफ से, तो दोनों तरफ से 2100, और ये टीम बनी है सेकंड, लेकिन बहुत अच्छे पेज काटे हैं, स्पीड ने ये गेम जीता है, सेकंड प्राइज नहीं भाई, बहुत खुश, लगातार फाइनल पहुंच रहे हैं, सेकंड थर्ड आ रहे हैं, मुझे लग रहा बहुत जल्द जल्द ये फाइनल भी पहुंचने वाले हैं और फाइनल जीतने वाले भी हैं। और नईम भाई को बहुत बहुत बधाई, लगातार इनामों की बौछार होती है नईम भाई पे, बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक यहाँ घेरे हुए है, ये देखिए वो भाग गए उधर, चलो कोई बात नहीं। ये नईम भाई को बहुत बहुत बधाई, और फरहान और इमरान को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। स्पीड काइट क्लब बनी है सेकंड यहाँ पे, दूसरी टीम बनी है, और सब बधाई देते हुए बहुत बहुत बधाई नईम भाई हमारे, फरहान भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। चलिए आइए, हमारा प्रकाश भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई,
चलिए अगला आइए मुन्ना राजा की टीम। भाई 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 इधर इधर इधर, हाँ ऐसे एक एक इधर एक इधर मुन्ना इधर आइए। राजू भाई को बताया जा रहा है देने के लिए अवार्ड। ये देखिए ये थर्ड पोजीशन की टीम बनी है, ताली बजा दो। थर्ड पोजीशन की ये टीम बनी है हमारे मुन्ना राजा, बहुत अच्छे पे लड़ा है दोनों लोगों ने, थोड़ी किस्मत खराब थी नहीं तो मेरे ख्याल से फाइनल ये पहुंच ही जाते। बहुत बहुत बधाई देते हुए हलीम भाई भी हमारे। इस टूर्नामेंट में फोर्थ आने वाली टीम, फोर्थ आने वाली टीम शुजा की टीम, शुजा भाई और हमारे नेताजी सलीम भाई, हमारे सलीम भाई सलीम नेता। इनको 501 का नगद पुरस्कार, 501 का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है कमेटी की तरफ से फोर्थ पोजीशन के लिए, और सूजा भाई को भी बिल्कुल अवार्ड देते हुए हमारे राहिल भाई और हलीम भाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई नेता भाई। बहुत तेज खींच रहे थे, जबरदस्त उछल उछल के खींच रहे थे, बहुत मजा आया टूर्नामेंट में। अब हमारे पांच के साथ सैफुल भाई को, हमारे हलीम भाई देते हो और राहिल भाई हमारे साथ में है। बहुत बहुत बधाई सोडी भाई, सोडी भाई को अब बुलाया जा रहा है। सैफुल भाई को, सैफुल भाई को बहुत बहुत बधाई। सोडी भाई को बुलाया जा रहा है। कोई भी टूर्नामेंट हो लखनऊ में और सोडी भाई होना ऐसा हो नहीं सकता। हलीम भाई उनको पुरस्कृत करते हुए बहुत बहुत बधाई सोडी भाई को भी। सिमी भैया को बुलाया जा रहा है। सिमी भाई इधर देखिए, सिमी भैया इधर देखिए। सिमी भाई को भी अवार्ड दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है हलीम भाई द्वारा, राहिल भाई द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। राहिल जी, राहिल भाई को वहीं सम्मानित करेंगे हमारे पार्षद जी। बहुत बहुत बधाई, ऐसे टूर्नामेंट आप लोगों की वजह से सफल होते हैं, बस आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें। राहिल भाई बहुत सारा प्यार राहिल भाई को भी, जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं, जिस पर टूर्नामेंट को शूट करते हैं, जिन्होंने लखनऊ में एक पतंग दुनिया को अलग ही दान दिया हुआ है। हमारे यूट्यूब के चैनल के ओनर संजीव भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ना ग्रुप देखते हैं ना सर, बहुत मेहनत से हुआ है, वीडियो बनाते हैं और हम लोग देखते हैं उसको घर में बैठ कर आराम से देते हैं। अब सबसे ज़रूरी लोगों को अवार्ड दिया जाएगा जो इस कमेटी में थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को पूरा कराने में पूरा सहयोग किया। उबैद भाई भी लगातार कमेटी मेंबर के एक धुआंधार प्रतिभागी की तरह काम करते रहे, शानदार ये खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छा पेच लड़ाया भी। और राहिल भाई उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, हमारे हलीम भाई भी सम्मानित कर रहे हैं। असद भाई को बुलाया जा रहा है, असद भाई भी स्कोरिंग करते रहे, लगातार स्कोरिंग किया, बहुत मेहनत किया असद भाई ने भी, स्कोरिंग करते रहे, एक एक मैच का अपडेट देते रहे। हलीम भाई, राहिल भाई, राजू भाई उनको सम्मानित करते हुए बहुत बहुत बधाई। राजू भाई को सम्मानित करते हुए हमारे पार्षद जी हलीम भाई, राजू भाई को सम्मानित करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू भाई आप यहाँ तक आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चांद भाई को सम्मानित करेंगे। चांद भाई इधर आ रहे हैं, चांद भाई को सम्मानित करते हुए हमारे राहिल भाई, हलीम भाई और हमारे राजू भाई, सब लोग सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील भाई को बेहतरीन एम्पायरिंग के लिए दिया जा रहा है, किसी का फेवर नहीं किया। हलीम भाई बता रहे हैं कि उनको तो प्राइज बनता ही है, आखिरी तक के नीने मेहनत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए हैं, बहुत सारे सही सही डिसीजन लिए हैं। शकील भाई को सम्मानित कर रहे हैं हलीम भाई। डेरी भाई को, जो कि कमेटी मेंबर भी है और एक मैच में 6-0 से बाहर किया, एक मैच में 4 पेच काटे, लगातार बढ़िया पेच भी लड़ाए और शानदार कमेटी मेंबर हमारे डेरी भाई ने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत की, बहुत बहुत बधाई। हलीम भाई उनको सम्मानित करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।
लखनऊ का शहनशाह है। आदिल भाई पूरे मैच को बेहतरीन तरीके से किया, चलाया, चिल्लाया, दौड़े, भागे, सब कर रहे थे लगातार। रिंकू भाई, उबैद भाई, हमारे आदिल भाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराया है आदिल भाई लोगों ने, रिंकू भाई ने, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। दानिश भाई, इस्लाम भाई, बहुत ही मेहनत करे टूर्नामेंट में, इन्होंने बहुत दौड़े भागे हैं। वो क्या ये नहीं है दिया गया हूं। और हमारे विनर और सारे सबको हलीम भाई हमारे तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। भैया भैया अब थोड़ा सा उधर ही रहना मेरे भाई। विनर टीम, विनर टीम, विनर को बुलाया जा रहा है। आदिल भाई, आदिल भाई इधर आना, इधर से, इधर से, इधर से यार, विनर टीम को दिया जा रहा है। कमेटी की तरफ से 5100, कमेटी की तरफ से 5100 और अबू भाई की तरफ से 11000 हलीम भाई हमारे देते हुए, ये 5100 कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है। पीछे पीछे आ जा तुम्हारा। दानिश भाई कह लें या रिंकू भाई कह लें, हमारे बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट कराया है और जबरदस्त टूर्नामेंट कराया है, जबरदस्त ये टूर्नामेंट कराया है। रिंकू भाई को बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे कि बहुत सक्सेस टूर्नामेंट कराया है रिंकू भाई ने मेरे, पहली बार में। अब ये ऑल इंडिया होता है, अब ये ऑल वर्ल्ड कराएंगे। तो अबू भाई भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। रिंकू भाई और आदिल भाई लोगों ने, उबैद भाई लोगों ने जबरदस्त किया है और राहिल भाई उनको मुबारक दे रहे हैं, हलीम भाई भी। तो कुल मिला के ये टूर्नामेंट कंप्लीट होता हुआ। अबू भाई आप लोग सामने, पहले सामने फ्रेंड में निकल के आएंगे, आ रहे हैं हलीम भाई, थोड़ा जगह दीजिए। हमारे सबको सम्मानित किया है, अब हमारे पार्षद सम्मानित कर रहे हैं, पार्षद जी हमारे हलीम भाई उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे भैया हमारे पार्षद साथ हमेशा जीतते रहे जी, बिल्कुल टूर्नामेंट। तो अबू भाई ने भी उनको भी आखिरी में सम्मानित किया, तो इस तरह से ये टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। क्या रहे